नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो लिखा गया था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा सन 1792 में 1792 में ये लिखा गया था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, ये एक सबसे पहली फेमिनिस्ट इनको माना गया है। क्योंकि दोस्तों, जो कि आज के टाइम पर आप मॉडर्न वर्ल्ड में जो देख रहे होगे कि वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे लॉ बना दिए गए हैं ताकि उनको मैन के इक्वल समझा जाए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 17th 18th सेंचुरी या उससे भी जो पहले का टाइम है, उसमें औरतों को आदमी के बराबर नहीं समझा जाता था। इवन जो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री हैं जहाँ आज वुमेन हैं जो मैन के बराबर खड़ी हैं, वहाँ पर भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं था। तो ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, इन्होंने ही ये पहल की थी फेमिनिज्म की, जिसे नारीवाद बोलते हैं, कि नारी को भी आदमी के बराबर, नर के बराबर हक मिलना चाहिए हर चीज़ में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, फाइनेंशियल, जो सभी मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं, औरत आदमी से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो उसकी वकालत मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने की थी और फेमिनिज्म को लेकर उन्होंने ढेर सारे ऐसे लिखे थे। और जो ये ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, ये भी उनमें से एक है और ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसमें 13 चैप्टर्स हैं और ये काफ़ी बड़ा है। और उन्होंने जो रीज़न होता है, यानी कि रैशनलिटी होती, तर्क है, उसको दिया है। उसके तर्क के द्वारा उन्होंने ये दिखाया है कि जो औरतें हैं वो भी आदमी से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो इस ऐसे में वो बताती हैं कि जबकि 18th जो सेंचुरी है उसमें औरतों की हालत काफ़ी ख़राब है, आदमियों के द्वारा उन्हें दबाया जाता है, उनका सोसाइटी में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब हर चीज़ में उनको दबाया जाता था, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था। तो दोस्तों, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम में जैसे औरतों को वोट का अधिकार है, ऐसा पहले नहीं था। इवन यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा नहीं था। अमेरिका में भी औरतों को सन 1920 में वोटिंग का राइट दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि पहले औरतों की दशा समाज में कितनी बुरी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये ऐसे क्यों लिखा। तो उन्होंने ये ऐसे लिखा था कि जो एक फ्रांस के एक बिशप थे जिनका नाम था चार्ल्स एम टेलीरेंड पेरीगोड। वैसे तो ये एक अच्छे आदमी थे, यानी कि इन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी ऐसे लिखे, और ये जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं, मतलब जो कॉलोनिज्म है उसके खिलाफ़ थे ये। मतलब ये वकालत करते थे कि आदमी को, किसी दूसरे आदमी को स्लेव बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इनकी एक ख़राब बात ये थी कि ये औरतों को आदमियों के बराबर नहीं समझते थे। तो उन्होंने वहाँ की एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि औरतों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इस वजह से जब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को ये पता चला, तो उन्होंने ये ऐसे लिखा और ये उन्होंने चार्ल्स एम टेलीरेंट को डेडिकेटेड भी किया। और उन्होंने जब ये ऐसे लिखा तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रेस्पेक्ट करती हूँ चार्ल्स एम टेलीरेंट का, लेकिन उनके जो अथक प्रयास हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं और एजुकेशन के लिए, मैं उनका रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके जो औरतों का जो ये भेदभाव वाला नज़रिया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। वो कहती हैं कि औरतों को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना कि आदमियों को है। तो इसकी मैं मेजर समरी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट रेज किए हैं और क्या क्या उनका तर्क दिया है। कि वो सबसे पहले कहती हैं कि जो औरतें हैं उनको अपने अंदर मतलब रीजन और रैशनलिटी को डेवलप करना चाहिए। जो ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का टाइम था, और आजकल भी आप जैसे कि देखते होंगे कि जो औरतें होती हैं, बस वो अपनी ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस रहती हैं कि वो ज़्यादा कैसे सुंदर दिखें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही, मतलब उनका परिवार और जो सोशल स्ट्रक्चर है दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों में, वो औरतों को बस औरतों की सुंदरता पर ही ध्यान देते हैं, उन्हें एजुकेटेड करने के ऊपर लोगों का कम ध्यान रहता है, इवन सोसाइटी का भी। और उस टाइम पर भी ऐसा ही होता था। तो वो कहती हैं कि ब्यूटी से ज़्यादा जो रीज़न है, रैशनलिटी है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ब्यूटी से ज़्यादा जो वर्च्यू होते हैं, यानी कि गुण होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। वो कहती हैं कि जो वर्च्यू होते हैं वो एलिगेंस से सुपीरियर होते हैं। तो वो औरतों को कहती हैं कि रादर देन ब्यूटी पे कंसंट्रेट करने की बजाय, उन्हें खुद के जो कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वर्च्यू बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करती हैं, वो कहती हैं कि औरतों की जो ये आज हालत है, मतलब कि उस टाइम पर जो हालत थी, वो किस वजह से, वो कहती हैं कि जो आदमियों ने औरतों को अपने अंडर कर रखा है, सब्जुगेट कर रखा है, उसके क्या क्या रीजन्स हैं। उसके रीज़न, सबसे पहला जो मेन रीज़न वो यही है कि उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पर तो लेडीज़ की एजुकेशन होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो रिच फैमिलीज़ होती थी यूरोप में या इंग्लैंड में या अमेरिका में, उन्हीं के घर में जो गर्ल चाइल्ड होती थी वो एजुकेट होती थी। जो मीडियम क्लास है वो गर्ल्स एजुकेटेड नहीं होती थी। और जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये जो ऐसे लिखा है ये भी मीडियम क्लास को ही टारगेट करके लिखा, तो वो बताते हैं कि उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती, और एजुकेशन नहीं दी जाती तो इसी वजह से उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ है, इम्प्रेशन है सोसाइटी के लिए, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और वो ऊपर से जो सोसाइटी है वो बस उन्हें ब्यूटीफुल बनने के लिए, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए इस प्रकार से प्रेशराइज करती है। उसके बाद जो वो उस टाइम पर जो कुछ दार्शनिक होते थे, जिन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, फिलोसोफर होते थे, जैसे कि रूसो, डॉक्टर ग्रेगोरी, तो उनके विचारों को भी वो ताना मारती हैं। वो कहती हैं कि जैसे कि जो रूसो थे या डॉक्टर ग्रेगरी थे, ये भी औरतों को बराबरी का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। और उसके अलावा और भी कुछ राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, जो कहते थे कि औरतें आदमी के बराबरी नहीं कर सकती, और वे उनके ऊपर कंटिन्यू अटैक करते रहते थे। तो जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं वो रूसो और डॉक्टर ग्रेगरी इन सब के ऊपर अटैक करती। उसके बाद जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं वो रीज़न और जो कॉमन सेंस है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोलती हैं औरतों को, कि जो जैसे कि जो औरतें होती हैं वो इमोशंस पे अपने फैसले लेती हैं, सेंटीमेंट्स से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और रीज़न बेस्ड उन्हें डिसीजंस लेने चाहिए। और वो अपने इस ऐसे में वो जो ढेर सारे जो अलग राइटर्स थे जो औरतों को एजुकेशन देने के पक्ष में नहीं थे, उन पर भी ढेर सारा अपने रहस्य के थ्रू अटैक करती हैं। उसके बाद जो वो औरतों की जो बुरी स्थिति है सोसाइटी में, उसका ओरिजिन बताते हुए कहती हैं कि जो औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती है, इसी वजह से उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो सॉलिड नहीं हो पाता है। और इसी वजह से आप जैसे कि आप देखते हैं कि वो जब अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं तो वो एक कैरेक्टर बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग आदमी को नहीं चुनती, रादर देन वो किसी रेक को चुन लेती हैं। ने अगर नॉवल पढ़ा होगा प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन अस्टन का, उसमें यही दिखाया गया कि जो मिस्टर बेनेट थे उसमें वो जो उनकी वाइफ थी वो बहुत अपनी मतलब यंग एज में काफ़ी सुंदर थी, तो वो उससे शादी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने शादी जो की वो एक उसकी ब्यूटीफुलनेस के लिए की थी, लेकिन वो एक मतलब रीजन बेस औरत नहीं थी। और जब उसकी 5 लड़कियां हुई, जिनमें जो लीडिया है वो विकैम के साथ भाग जाती है, क्योंकि वो जो विकैम था वो एक रेक था, यानी कि एक वो फ्लर्ट था। और जो मिस्टर बेनेट की वाइफ थी मिसिज बेनेट, वो भी मतलब एक झगड़ालू औरत थी, और उसकी जो सोच थी वो बहुत ही नैरो थी, बहुत ही छोटी थी उसकी। जैसे कि उसकी उसकी लाइफ का एक ही उद्देश्य था कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए, मतलब कि उसे कभी भी ये नहीं लगता था कि मुझे अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए और उनको एक समर्थ औरत बनाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि एजुकेशन कितना रोल प्ले करता है रादर देन ब्यूटी। उसके बाद वो जो मोडेस्टी होती है, मोडेस्टी मतलब कि नम्रता होती है जो स्वभाव के अंदर, उसका जिक्र करते हुए कहती हैं कि औरतों को अपने अंदर एक मोडेस्टी लेकर आना चाहिए। और ये मोडेस्टी कैसे आएगी, जब वो एजुकेटेड होंगी। जो औरत जितनी भी ज़्यादा एजुकेटेड होगी कोई लड़की, उतनी ही ज़्यादा वो मोडेस्ट बन जाएगी। उसके बाद वो जो औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर फोकस करने के लिए लिखती हैं कि औरतों को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। वो जो अगर कुछ काम करती हैं, कुछ कमाई करती हैं, तो वो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं बन जाता है, वो उनकी कमाई है और वो उनके पास ही रहना चाहिए। और वो सोसाइटी के मैन को भी ये बताना चाहती हैं कि औरत की कमाई के ऊपर आदमी का हक नहीं होता है। इसके अलावा वो जो औरत हैं उसकी सोशल भागीदारी को भी बढ़ाने के लिए लिखती हैं कि जैसे सोसाइटी में हर जगह पर कुछ, जैसे कि आप देखते हैं कुछ इलेक्शन होता है या कहीं पर भी कोई डिपार्टमेंट का हेड होता है, वहाँ पर उस टाइम पर सब मेल होते थे, तो कहते हैं कि वहाँ पर भी औरतों की भागीदारी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया था कि एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने उठाया था कि जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो एरियाज़ में एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और जो ये को एजुकेशन आप देखते हैं, इसका कंसेप्ट भी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ही दिया था अपने इस एसे के थ्रू, कि जो मेल और फीमेल है उनको एक साथ पढ़ाई करने देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे वो एक दूसरे जो जेंडर है मेल और फीमेल का, वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं और बेटर कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे चल के, मतलब किसी भी वे में, ऐसा नहीं कि ओनली मैरिड वे में, जैसे सोशल वे में या एजुकेशन मिलने से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जब वर्क करेंगे तो वो कोऑपरेट कर सकते हैं।
उसके बाद वो लास्ट में जो ऐसे इसके लास्ट में जो अपना समअप करते हुए कहते हैं कि वो जैसे कि उन्होंने इस पूरे ऐसे में एक तो आदमियों को ज़िम्मेदार ठहराया एजुकेशन की वजह से कि वो औरतों को एजुकेशन नहीं देने देते, लेकिन उन्होंने कुछ औरतों पर भी कुछ अटैक किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ औरतें हैं वो बहुत ही सिली बिहेव करती हैं, जैसे कि वो मतलब कि जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं भविष्यवाणी बताने वाले या फिर कोई अलग जो भूत प्रेत उनके पास भी विजिट करती हैं, और जो औरतें होती हैं उनका एक ये नेचर होता है कि वो जो जैसे अगर नेबर में कोई औरत है या वर्क प्लेस पे कोई औरत है तो उसके साथ रिवेलरी कर लेती हैं, मतलब कि अननेसेसरी अनवांटेड उससे कम्पीट करती हैं हर चीज़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और औरतों को वो ये भी कहती हैं कि उन्हें ड्रेस और मैनर्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा ना देकर अपनी एजुकेशन और दूसरे जो लाइफ के फैक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने इसके मेन पॉइंट्स आपको बताए, इसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन थीम्स क्या क्या हैं। एक तो जो सबसे पहला थीम है वो है मैरिज एज फ्रेंडशिप। तो जो ये ऐसे है इसमें इन्होंने जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं उन्होंने जो मैरिज है आदमी और औरत की उसकी बारीकियों को बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो मैरिज होती है वो एक फ्रेंडशिप की तरह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि औरत ने आदमी से शादी कर ली और अब वो उसकी स्लेव बन गई है, बस उसके जो घर के सारे काम हैं उसको निपटाना ही उसका काम है, ऐसा नहीं है। वो एक फ्रेंडशिप की तरह होना चाहिए, मीन्स एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होना चाहिए और वो दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद जो दूसरा थीम है वो है जो औरतों के तौर तरीके हैं और उनका जो एक थिंकिंग है जो सोसाइटी में सोसाइटी के लिए उसको चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब कि वो कह रही हैं कि औरतों का कंसंट्रेशन ब्यूटी के ऊपर रहता है, ब्यूटी टिप्स के ऊपर रहता है, उसके बजाय उन्हें एजुकेशन के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए, मतलब एक शिफ्ट होना चाहिए इस चीज़ से उस चीज़ के ऊपर। और जो तीसरा थीम है वो है रीज़न एंड रैशनलिटी, मतलब कि औरतों को अपने डिसीजन रीज़न बेस्ड लेने चाहिए ना कि इमोशन के ऊपर लेने चाहिए। और जो फोर्थ है वो उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर कहा, जैसा कि मैंने आपको समरी के दौरान बताया था कि उन्होंने और प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म की बात कही और को एजुकेशन के को भी स्टार्ट करने के लिए लिखा इस ऐसे में। और जो सबसे लास्ट थीम वो है कि जो उन्होंने मिडिल क्लास जो औरतें हैं उन्हीं को हिट किया है इस ऐसे में और उनकी लाइफ को एनरिच करने के लिए ये सब पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। तो दोस्तों ये थी ऐसे की समरी और थीम्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।